Reaction Reels. Hello guys, welcome to Reaction Reels. This is Seher. आज हम आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ, वो होने जा रही है भारत के शहर शिमला पे। तो चले गाइस, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत खूबसूरत सिटी है, साथ में देखेंगे वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली मजीद वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। तो चले गाइस, हम अपनी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोस्ट अमेजिंग ट्रिप्स चैनल पर। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से मशहूर शिमला शहर को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी अपने शहर का वीडियो चैनल पर देखना चाहते हैं तो अपनी सिटी का नाम चैनल के वीडियो सेक्शन में सर्च करें। और अगर वीडियो अब तक अपलोड नहीं है तो अपनी सिटी का नाम हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब निकलते हैं शिमला के एक अमेजिंग वर्चुअल टूर पर। शिमला लगभग 7200 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ राज्य का सबसे बड़ा शहर है, जो राज्य की राजधानी भी है। इस शहर की पॉपुलेशन लगभग 11 लाख है और टोटल एरिया सिर्फ 35 स्क्वायर किलोमीटर के करीब है, लेकिन इसकी खूबसूरती और महत्व कई गुना बड़ा है। शिमला उत्तर भारत के सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशन में से एक है और इसे अक्सर पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। शिमला एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है क्योंकि इतिहास की गूंज आज भी शिमला की अनेकों इमारतों में स्थित है, जहां खूबसूरत आर्किटेक्चर के साथ साथ कई मंदिर, चर्च और देश का सबसे पुराना पोस्ट ऑफिस भी शामिल है। ये ब्रिटिश कालीन इमारतें पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। शिमला सिर्फ इतिहास में खोया नहीं है बल्कि लगातार विकास कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार हुए हैं, जहाँ चौड़े हाईवे, टनल, बस टर्मिनल, रोपवे जैसी सुविधाएं शिमला के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर और आरामदायक बना रहे हैं। लेकिन शिमला सिर्फ इमारतों और कंक्रीट का शहर नहीं है, इसका असली जादू छुपा है यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती में। कुफरी, नारकंडा, फागू जैसे हिल स्टेशन शिमला की सात पहाड़ियों का ही हिस्सा है, जहाँ हर जगह हरियाली, सेब के बागान, बर्फ से ढकी चोटियाँ और शांत झीलें आंखों को सुकून देती है। शहर के प्रमुख आकर्षणों में यहाँ का वॉइस रेगल लॉज, एनाडेल, गैती हेरिटेज कल्चर कॉम्प्लेक्स और क्राइस्ट चर्च जैसे विक्टोरियन आर्किटेक्चर, मॉल रोड की रौनक, टॉय ट्रेन की सवारी, जाखू मंदिर की पवित्रता का अनुभव और स्कैंडल पॉइंट प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। साथ ही यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित कालका शिमला रेलवे लाइन भी एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इसके अलावा शिमला माउंटेन बाइकिंग रेस और आइस स्केटिंग रिंक के चलते टूरिज्म के साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी एक इम्पोर्टेंट हब है। शॉपिंग के लिए यहाँ लोकल मार्केट, टाउन हॉल, शॉपिंग आर्केड, शॉपिंग के शौकीन लोगों के लिए परफेक्ट जगह है। वही घूमने और मस्ती करने के बाद रिलैक्स और लग्जरी एहसास कराने के लिए शिमला में आलिशान होटल्स की भी कोई कमी नहीं है। एक प्रमुख पर्यटन केंद्र होने के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी शिमला का डंका बजता है, क्योंकि शिमला में एशिया का ओल्डेस्ट बोर्डिंग स्कूल होने के साथ साथ कई इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट भी मौजूद है। भाषा की बात करें तो हिंदी और पहाड़ी यहाँ की मुख्य भाषाएं हैं, लेकिन पंजाबी और अंग्रेजी भी बोली जाती है। बात हो मौसम की तो पहाड़ी पर स्थित होने के कारण यहाँ का मौसम ठंडा रहता है। गर्मियों में हल्का सुहावना और सर्दियों में कड़ाके की ठंड के साथ स्नोफॉल शिमला को खास बनाता है। अब बात करें खाने की तो शिमला के जायके में मदरा, धाम, थुकपा, बबरू, छा गोश्त, अक्टोरी और सेपू वड़ी आपको दीवाना बना देगी। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी, शिमला वो जगह है जहां सबसे पहले शिमला मिर्च की खेती शुरू की गई थी। और अगर आप भी इस सुंदर शहर को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो शिमला एक यादगार अनुभव के लिए आपका इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, अपने बैग पैक करें, कैमरा तैयार करें और बाय रोड, रेल या हवाई जहाज में निकल पड़े शिमला की सैर पर। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो में कोई पॉइंट छूट गया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इन्हीं चीजों से हमें नए नए वीडियोस बनाने की हिम्मत मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो शिमला सिटी पे। शिमला सिटी बहुत खूबसूरत है और
मैं इसको हिल स्टेशन कहूँगी कि बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है ये। यहाँ पे पाकिस्तान में जो है वो कोसार मरी है, यहाँ पे बिल्कुल वैसा मरी हिल स्टेशन। मुझे ना उसको देख के ना शिमला को सेम उसी जैसी वाइब्स आ रही थी कि जैसे ये जो है ना पाकिस्तान का जो सिटी है मरी है। उस पर भी मैं वीडियो जल्द लेके आऊँगी और फिर इनके कंपैरिजन पे भी वीडियो लेके आऊँगी। इस पर मैं काफ़ी मूवीज़ भी देख चुकी हूँ। एक जगह इसमें ऐसी आ रही थी कि एक मूवी मेरे माइंड में घूम रही थी, अब मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। और अगर उससे पीछे चले जाएं तो मुझे एक पुरानी मूवी थी जो अक्सर मेरे वालिद साहब देखा करते थे और अभी भी जो है वो अक्सर देखते हैं। मूवी का नाम था कुंदन, आई थिंक मैं अगर गलत नहीं हूँ तो वो मूवी भी जो है वो यहीं की मूवी है। और इसके अलावा इन शिमला और इसके और चले जाएं तो आई थिंक राज जो है शिमला ऊटी में है या इस तरह का कुछ है, वो भी मूवी जो है वो यहीं की है। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत पुरसकून जगह है। और वाकई में कि आप अगर अपनी वेकेशंस आप लोगों ने इन्जॉय करनी है, आप लोगों ने अगर अपना कोई फ्री टाइम जो है स्पेंड करना है, अच्छा स्पेंड करना है, तो आप इस तरह की जगहों पे जा सकते हैं और इस तरह की जगहों पे जाके अपनी लाइफ के मोमेंट्स को इंजॉयबल बना सकते हैं, मेमोरेबल बना सकते हैं। और इसके अलावा बात की जाए इसके मौसम की, तो मौसम जो है सर्दियों में यहाँ पे बर्फबारी होती है और तब तो उसके जो कह ले कि इसके हुस्न में चार चांद लग जाते हैं। वैसे पर्सनली मुझे स्नोफॉल पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ की खूबसूरती में काफ़ी इजाफा हो जाता है। और शॉपिंग वगैरह के लिए काफ़ी शॉप्स वगैरह थी यहाँ पे। यहाँ पे मरी में जो है इस तरह से होता है कि यहाँ से लोग जो है शॉपिंग करते हैं और शॉपिंग करके जो है चीज़ें यहाँ से लेके जाते हैं, हम चीज़ वहाँ से लाए थे। मेरे ख्याल से शिमला में भी ऐसा ही होता होगा कि हम ये शिमला से लेके आए थे और अपने अपने प्यारों और अपने घर वालों के लिए मेरे ख्याल से लोग यहाँ से शॉपिंग करते होंगे और वो फिर लेके जाते होंगे। और इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी इन्होंने हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखाई हैं बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से अंग्रेज़ों के ज़माने की थी क्योंकि उनके जो है आर्किटेक्चर देख ही पता चल रहा था कि ये अंग्रेज़ों की हो सकती हैं। और यहाँ पे चर्च वगैरह उन्होंने दिखाए। मेरे माइंड में सेम जो है वो यहाँ पाकिस्तान के मरी हिल स्टेशन की वाइब्स आ रही थी, सेम यहाँ पे भी वही सब उसी तरह की बिल्डिंग्स हैं बहुत और बोर्डिंग भी है यहाँ पे। और इन्होंने बताया कि वहाँ पे भी बोर्डिंग है। पहाड़ों की ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल होती है लेकिन वहाँ के लोगों के लिए ये चीज़ जो है आसान होती है, लोगों को वो मुश्किल नहीं लगता, उन लोगों के लिए बहुत आसानी होती है क्योंकि वो लोग वहाँ के आदी होते हैं। लैंग्वेजेस की बात की जाए तो पहाड़ी लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाती है और इसके अलावा हिंदी बोली जाती है। उन्होंने बताया कि इंग्लिश है और पंजाबी भी है, इस तरह सेम जो है हमारे यहाँ पे भी इसी तरह का सीन है कि यहाँ पे पहाड़ी लैंग्वेज बोली जाती है। यहाँ की पहाड़ी लैंग्वेज में वहाँ की पहाड़ी लैंग्वेज में कितना फ़र्क है ये मुझे नहीं पता कि वो लोग कैसे बोलते हैं, यहाँ पे जो है वो अलग तरीके से डिफरेंट तरीके से बोली जाती है। तो सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।